स्वागत है आपका हमारे चैनल एओटी हब में। आज मैं आपको संस्कृत में लकार परिचय के बारे में बताऊंगी। लकार परिचय क्या है? जैसे कि संस्कृत में जो धातु है यानी कि क्रिया, उसकी जो अवस्था होती है उसे हम लकार कहते हैं, यानी कि धातु के काल या अवस्था को लकार कहते हैं। ऐसे संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं आपको मेन 3 लकार के बारे में बताऊँगी जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं, जैसे कि लट लकार, लंग लकार, लीट लकार। लट लकार यानी कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। लंग लकार भूतकाल, पास्ट टेंस। लीट लकार भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। अब जैसे कि अपने एक सेंटेंस उठाते हैं, बालिका पठती यानी कि लड़की पढ़ती है, ये हमारा हो गया लट लकार का एग्जांपल। लड़की पढ़ती है, अभी वो काम चल रहा है, यानी कि लट लकार वर्तमान काल। अब लंग लकार भूतकाल में जाएँ तो बालिका अपठत, बालिका अपठत यानी कि लड़की ने पढ़ा, यानी वो काम हो चुका है, लड़की ने पढ़ा। अब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस लीट लकार, लड़की पढ़ेगी यानी बालिका पठिष्यति, लड़की पढ़ेगी बालिका पठिष्यति। बालिका पठती लट लकार, बालिका अपठत लंग लकार, बालिका पठिष्यति लीट लकार। इस तरह से ये 3 लकार का हम परिचय कर सकते हैं इस तरह से पहचान के। अब मैं आपको इसकी तालिका बताऊंगी। मैंने आपको बताया 3 लकार के बारे में। अब लट लकार वर्तमान काल में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। उस तरह से लंग लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। अब लीट लकार में जाएं तो लीट लकार और लट लकार की टेबल में बहुत सिमिलरिटी है। पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्याम। अगर आप देखें तो इसके लास्ट के वर्ड सबके एक जैसे ही हैं, इसमें हमें इश ऐड करना होता है, इश्य, जैसे कि ईश य। ये अपने अगर पठती में इश्यति इश लगाते हैं तो पठिष्यति बन जाता है। इस तरह से लीट लकार की टेबल हम तुरंत लर्न कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने तो पठ धातु के हिसाब से बताया, अपने किसी भी धातु में इस टेबल को लगा के बना सकते हैं, जैसे कि गम धातु, लिख धातु, पीव, धाव, कोई भी वर्ड हो पर्टिकुलर धातु का। अगर लिख है तो लिखती लिखता लिखंती, धाव है तो धाविष्यति धाविष्यत धाविष्यंती, अगर तिष्ठ है तो तिष्ठती तिष्ठत तिष्ठंती, अपठत अपट्टम अपठन की जगह अपने कोई भी धातु यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लकार परिचय को समझ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।